वेलकम गाइस, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक प्रॉब्लम ऑन एजेस व्हिच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो बिफोर गोइंग ऑन वी नीड टू नो द बेसिक थिंग्स, दैट इज एवरी क्वेश्चन इन अ टॉपिक इज डिपेंड ऑन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज ऑफ द पर्सन। लेट मी टेक एग्जांपल, द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन इज 10 ईयर। ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन इज 10 ईयर एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ पर्सन अपटर 10 ईयर। मतलब यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज दिया गया है और 10 ईयर अपटर मतलब 10 ईयर बाद में आपको इस पर्सन की एज क्या रहेगी कैलकुलेट करना है। तो जनरली तो हम बता सकते हैं, अगर हमारी प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो 10 ईयर बाद में हमारी एज क्या रहेगी 20 ईयर। तो उतने ईयर जितने ईयर बाद में कहा गया है उतने ईयर हम नॉर्मली एड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन इज 10 ईयर एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ पर्सन अफ्टर 10 ईयर। अफ्टर 10 ईयर मतलब आपको 10 ईयर यहाँ पर एड करना पड़ेगा, तो ये आप ईयर एड कर रहे हो, ठीक है। तो इतने ईयर आपने एड कर लिए, आंसर क्या मिलेगा आपको 20 ईयर। सो 20 ईयर जो है हमारे फ्यूचर एज हमने कैलकुलेट कर ली है। व्हाट विल बी द एज ऑफ पर्सन अफ्टर 10 ईयर 20 ईयर। बट जो वर्ड यूज हो रहे हैं अफ्टर एंड हेज, ये हर एक क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन रहेगा आपके हर एक क्वेश्चन में अफ्टर या हेज ये दोनों में से कोई ना कोई वर्ड का यूज किया जाएगा। जैसे कि हमने यहां पे यूज किया है व्हाट विल बी द एज ऑफ पर्सन अफ्टर 10 ईयर या फिर व्हाट विल बी द एज ऑफ पर्सन अफ्टर 7 ईयर। जो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहेगा। बट जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं अफ्टर एंड हेज, बोथ द वर्ड डिफाइंस एंड डिटरमाइंस द फ्यूचर एज ऑफ द पर्सन। हम इस वर्ड का यूज मतलब फ्यूचर एज कैलकुलेट करने के लिए जो कुछ भी क्वेश्चन होते हैं वहां पे किया जाता है। सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ पे हमने फ्यूचर एज कैलकुलेट किया है ऐसे ही आपको पास्ट एज भी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन इज 10 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ पर्सन अफ्टर या फिर सॉरी बिफोर 5 ईयर। अभी हमें क्या करना है बिफोर 5 ईयर इस पर्सन की एज क्या रहेगी ये कैलकुलेट करना है। मतलब पास्ट एज कैलकुलेट करना है, जैसे हमने फ्यूचर एज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे उतने ईयर एड कर दिए थे। बट अभी आपको कहा गया है कैलकुलेट द पास्ट एज ऑफ द पर्सन बिफोर 5 ईयर, मतलब 5 ईयर पहले इस पर्सन की एज क्या रहेगी। तो प्रेजेंट एज दी गई है 10 ईयर। अब ये अगर प्रेजेंट एज इसकी 10 ईयर है तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी रहेगी, व्हाट इज द एज ऑफ पर्सन बिफोर 5 ईयर। सो प्रेजेंट एज माइनस 5 ईयर तो कितनी आएगी एज 5 ईयर। तो इस पर्सन की एज रहेगी 5 ईयर बिफोर 5 ईयर, ठीक है। बट यहां पे जो वर्ड यूज हो रहे हैं आपके बिफोर एंड अगो, बोथ द वर्ड डिफाइंस एंड डिटरमाइंस द पास्ट एज ऑफ द पर्सन। दोनों की दोनों वर्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारी पास्ट एज को डिफाइन करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अफ्टर एंड हेंस फ्यूचर एज आपका डिफाइन करता है वैसे ही बिफोर एंड अगो ये हमारी पास्ट एज को डिफाइन करेगी। कंसीडर प्रेजेंट एज आपको एक्स दिया गया है, व्हाट इज द फ्यूचर एज तो एक्स प्लस एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स प्लस एम मतलब एक्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ पर्सन एंड एम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर, ये आपके नंबर ऑफ ईयर डिफाइन करता है। सिमिलरली पास्ट एज अगर पूछा जाए तो एक्स माइनस एन, तो एक्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ द पर्सन एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर। तो जिस तरीके से इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको क्या करना है जो हमने अभी अभी देखा है बिफोर अगो अफ्टर हेज ये जो वर्ड है हमारे हर एक क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे। बस हमें सोचना है कि हमें फ्यूचर एज कैलकुलेट करना है पास्ट एज कैलकुलेट करना है या फिर प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो किस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन के हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 4:5 एंड आफ्टर 5 ईयर दे विल बी इन रेशियो 5:6। द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज,
हमें प्रेजेंट एज का और फ्यूचर एज का रेशियो दिया गया है और प्रेजेंट एज कैलकुलेट करने के लिए कही है राम की, ठीक है। सो क्या है रेशियो दिया गया है 4:5 इज इक्वल टू, यह है आपका रेशियो प्रेजेंट एज का और फ्यूचर एज का रेशियो दिया गया है 5:6, ठीक है। कंसिडर द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन राम 4x प्लस 5 ईयर, मतलब 5 ईयर अपटर पूछा गया है, सो प्लस 5 ईयर इज टू द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम मीन्स 5x प्लस अपटर 5 ईयर मीन्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5:6। अब इसे हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5/6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 × 4 = 24 x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 5×5 = 25x प्लस 25। अब इसे सॉल्व करना है, सो 24x माइनस 35 एक्स, तो ये आएगा आपका एक्स इज इक्वल टू 30 − 25 तो आएगा 5, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। अब आपको क्या करना है, द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज, राम की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है। तो हमने कंसीडर किया था द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 4x, सो राम इज इक्वल टू 4x एंड 4 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 5, सो 4×5 इज इक्वल टू 20, सो 20 इज द एज ऑफ राम, ओके 20 इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट ये बिगिनर के लिए है, ठीक है, हम इतना टाइम एग्जाम में नहीं दे सकते हैं, हमें इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाना होती है, बट जो बिगिनर है वो यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5, 6 years हेंस द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 6:7 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। हमें यहां पर प्रेजेंट एज रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है 4:5 एंड आफ्टर 6 ईयर मीन 6 ईयर हेंस द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस इज, मतलब फ्यूचर रेशियो दिया गया है 6:7 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। अब हमें क्या करना है, उनका एज निकालना है, एज में डिफरेंस क्या है ये कैलकुलेट करना है। कंसिडर द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन ए इज 4x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन बी इज 5x एंड 6 ईयर इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 6:7, सो हम यहां पे प्लस 6 लिख सकते हैं, प्लस 6 ईयर। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 4x प्लस 6 इज टू 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 6:7, सो 6:7 दे कैन बी रिटन एज 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 6/7। सिंपल इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7×4 = 28x प्लस 7×6 = 42 = 6×5 = 30x प्लस 6×6 = 36 देन सॉल्व करिए इसे, 20x प्लस माइनस 30x मीन्स 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ x इज 3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज, ओके सो हमने द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4x लिया था, देन द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन बी इज 5x लिया था, बस सिंपल यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे और a और b की जो भी एज रहेगी कैलकुलेट करेंगे। तो a इज इक्वल टू 4x, पुट द वैल्यू ऑफ x 4×3, सो 12 ईयर इज द एज ऑफ पर्सन ए,
देन बी इज इक्वल टू 5x, पुट द वैल्यू ऑफ x, 5 इज इनटू 3, सो 15 इज एज ऑफ पर्सन बी एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज इज इक्वल टू 3. 15 माइनस 12 is equals to 3. So this is the answer. Let's see the next question. The ratio of present age of two sisters is 1:2, and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of after 5 years? Okay. So in दोनों के age का 5 years back क्या ratio रहेगा ये हमें calculate करना है. So consider यहाँ पर past age का ratio आपको दिया गया है, present and future. Okay. The ratio of the present age of two sister is 1:2. आपको present age का ratio दिया गया है. And 5 years back मतलब 5 साल पहले the ratio of their ages is 1:3. And what will be the ratio of their ages after 5 years? मतलब 5 years बाद में आपको जो ratio आएगा वो calculate करना है. क्या दिया गया है? Present age ratio, past age ratio. The present age ratio क्या दिया है? 1:2. Consider the first girl का जो एज रहेगा x year is to second girl का age पकड़िए 2x. 5 years पहले, 5 साल पहले, 5 years back, the ratio of their ages is 1:3. Okay, so x minus 5 years is to 2x minus 5 years is equals to 1:3. इसे सॉल्व करेंगे, x minus 5 divided by 2x minus 5 is equals to 1:3. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3x minus 3, 5 is 15 is equals to 2x minus 5 is 5. Okay, so 3x minus 2x आएगा x is equals to minus 15 plus 5 आएगा आपको 10. So value of x is 10. फिर हमने कंसीडर क्या किया था, द प्रेजेंट एज जो फर्स्ट गर्ल का था x था एंड सेकंड जो गर्ल थी उसका था 2x. ओके, तो x की वैल्यू क्या आई है, 10. मतलब फर्स्ट जो गर्ल रहेगी उसका एज क्या रहेगा, 10 ईयर. फर्स्ट गर्ल क्या रहेगा एज, 10 ईयर. एंड सेकंड गर्ल का एज हमने किया था कंसीडर 2x, तो 2 इंटू एक्स मतलब 10 × 20. तो सेकेंड गर्ल जो रहेगी आपकी, सेकेंड गर्ल का रेशियो जो रहेगा, वैल्यू जो रहेगी, एज आएगा आपका 20. बट क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद में इन दोनों के एज का रेशियो क्या रहेगा. तो ये हमारा प्रेजेंट एज निकल गया है, ये हमने कैलकुलेट किया है प्रेजेंट एज. आफ्टर 5 ईयर द फर्स्ट गर्ल का जो एज रहेगा कितना रहेगा, 10 प्लस 5 मतलब 15. देन सिमिलरली सेकेंड गर्ल का एज क्या रहेगा आफ्टर 5 ईयर, सो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25. सो ये जो वैल्यू आए हैं हमें फ्यूचर एज की वैल्यू आए हैं. आफ्टर 5 ईयर जो एज रहेगा इस गर्ल का रहेगा 15 एंड सेकेंड गर्ल का एज रहेगा 25. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस, सो 15 इज टू 25 एंड सिंपल 5 × 3 = 15 एंड 5 × 5 = 25. सो द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5. ओके, आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5. सो ये आपका आंसर. लेट्स सी द क्वेश्चन. प्रतीक इज 40 ईयर ओल्ड एंड गणेश इज 60 ईयर ओल्ड, हाउ मेनी ईयर अगो वर द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5. ओके, तो यहां पे आपको प्रेजेंट एज दिया गया है और कितने साल पहले दोनों के एज का रेशियो ये 3:5 रहेगा ये कैलकुलेट करना है आपको. तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो प्रतीक का एज क्या दिया गया है आपको, 40 एंड गणेश का एज दिया गया है 60. हाउ मेनी ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5. मतलब अगो मतलब टोटली आपको पास्ट के बारे में बताया गया है, तो 3:5 ये रेशियो था अगो. बट हाउ मेनी ईयर अगो, हाउ मेनी ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5. कितने साल पहले दोनों के एज का रेशियो ये 3:5 था, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो कंसीडर करिए यहां पर ईयर इज इक्वल टू एक्स, एक्स ईयर की वैल्यू हम एक्स कंसीडर करेंगे. सो 40 माइनस एक्स
ईयर अगो डिवाइडेड बाय 60 माइनस एक्स ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5। सिंपल सॉल्व कर लेंगे इसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 4 20 सो 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 6 3 80 मीन्स 180 माइनस 3x एंड सिंपल सॉल्व कर लीजिए, माइनस 5x प्लस 2x मीन्स प्लस 3x मीन्स 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 180 20 सो x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 10 आई है। तो x को हमने क्या कंसीडर किया था, ईयर कंसीडर किया था, तो 10 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5, 10 साल पहले इन दोनों के एज का रेशियो ये 3:5 रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 10 ईयर पहले इन दोनों के एज का रेशियो रहेगा आपका 3:5। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और टोटल जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं ये सारे के सारे आपके रेशियो एंड प्रोपगेशन पे डिपेंडेंट थे। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अलग टॉपिक से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो कुछ भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं ये सिर्फ बिगिनर के लिए है। शॉर्टकट टिप्स अगर आप चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए और आने वाले लेटेस्ट वीडियो में आपको सारे के सारे जो कुछ भी क्वेश्चन की शॉर्टकट टिप्स रहेगी ये आपको मिल जाएगी।